इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कोई भगवान को वापस ले जाने नहीं आया, क्योंकि भगवान एवं ही नहीं आए, हेतु से आए हैं। हेतु क्या है? राजा बनने के पहले धरती से आसुरी शक्तियों का समापन हो, यह हेतु है। भरत जी अपने निवास में सोच रहे हैं, गुरु जी अलग सोच रहे हैं, माताएं पुरजन परिजन अलग विचार कर रहे हैं। दो दिन बिता तो प्रभु ने गुरुदेव से निवेदन किया, माताएं गुरु माँ आप प्रजाजन सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उचित तो होता है आप सबको लेकर श्री अयोध्या। गुरु जी ने समझाया, कहा हे राम, अयोध्या जी में तो प्रजा दुखी थी ही, यहाँ आपके पास आकर और सबके मुख पर प्रसन्न भाव देखकर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, इसलिए दो चार दिन और रहने दीजिए, आप पर रह लो। प्रभु गए, दिनचर्या नित्य की सिद्ध है, व्यवहार चल रहा है। प्रातःकाल संध्या वंदनों परांत भरत जी बैठे थे, गुरुदेव भगवान ने बुलवाया, सबको बुला के बैठाया गया। प्रभु के स्वरूप भाव की प्रशंसा करने के बाद गुरुदेव भगवान ने कहा, मेरा अपना चिंतन कहता है कि कर्ण से लेकर और ब्रह्मा जी तक सबके सिर पर राम जी की ही राजाज्ञा है, तथापि आप सब विवेकी लोग हैं, आप लोग सहमति बनाइए कि राम जी से कैसे बात रखी जाए कि वो श्री अवध चले। पहले क्या कहे, राजाज्ञा सबके सिर पर राम जी की है, राम रजाई शीश सब ही के, लेकिन कहूं का असमंजस जी के, मेरे समझ में स्वयं नहीं आता है। अब विचार यहाँ ये करना है कि जहाँ गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के ही समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रजा परिजन सचिव जन भरत जी क्या समझेंगे? क्यों? मित्रों माताओं, सत्य एक होता है, सत्य की परिभाषा अपरिवर्तनीय है। सत्य बदला नहीं जा सकता, सत्य को ढका नहीं जा सकता, सत्य शुभ्र है, उज्ज्वल है, जैसा है वैसा है और वैसा ही रहेगा। सत्य युगों युगों में भी अपरिवर्तनीय है, इसलिए हमारे देश का जो सम्मान प्रतीक मान प्रतीक है, अशोक की लाट, अशोक चिन्ह, उसके नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते जयते।
सत्य की ही जय होती है। सत्य की ही जय होती है, असत्य की कभी भी जय संभव नहीं है। राम जी सत्य हैं। सब लोग मौन हो गए तो भरत जी ने हाथ जोड़कर अपना निवेदन श्री चरण में रखा, प्रभु रघुवंश के जीवन में जब भी कोई ऐसी घटना आई जो मंगल के स्थान पर अमंगल करने वाली हो, आपने ब्रह्मा जी की भी लेखनी को रोका। सो गोसाई विधि गचि देहि छेकि से सकई पोटार टे जोटे, कौन टाल सका, आपने टेक दिया। और आप हम सब से पूछते हैं, ये हम सब का सौभाग्य नहीं है। होगा वही जो आप करना चाहे। गुरु वशिष्ठ जी ने सुझाव दिया, लाला अब देखिए, जब हमको किसी बात के व्यवहार में यह समझ में नहीं आता कि यथार्थ और उचित क्या है, तो हम नाना प्रकार के विकल्प ढूंढना प्रारंभ कर देते। क्योंकि जो है वो कहना नहीं चाहते हैं, और होगा वही जो है, फिर नाना प्रकार के विकल्प की शब्दावली हमारी आती है जो एकदम उचित नहीं होती। गुरु जी ने कहा, आप दोनों भाई वन चले जाएं और सीता राम जी लक्ष्मण जी अयोध्या जी चले जाएं। भरत जी ने स्वीकार कर लिया और कहा, कानन करौं जन्म भर बासु। 14 वर्ष नहीं प्रभु, यदि आपकी यह रचना सिद्ध हो जाए तो मैं 14 वर्ष तो क्या, जीवन भर वन में बास कर सकता हूं। ये भरत जी कहते हैं। क्यों? देखो, धरती पर पूरे ब्रह्मांड में राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसा भ्रातृ प्रेम आपको प्राप्त नहीं होगा, देखने में नहीं आएगा। राम जी जैसा ज्येष्ठ नहीं भया, तो भरत जी जैसा कनिष्ठ भी नहीं भया। भरत जी इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि राम जी के भाई है। भरत जी का जीवन ऐसा अद्भुत है कि भगवान को अतिशय प्रिय है। इतनी प्रियता है, प्रभु को लक्ष्मण जी के प्रति कहना पड़ा, भैया भरत ही हो इन राजम विधि हरि हर पद कबहूं कि काजी सी करनी क्षीर सिंधु सा। क्या सिरके की दो बूंद से क्षीर सिंधु फट सकता है, अथवा घुंघचियों के आ जाने से क्षीर सिंधु का स्वरूप विलुप्त हो सकता, अथवा हानि हो सकती, महिमा घट सकती? कदापि नहीं। लखन तुमार सपथ पितवाना, शुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। ये भारत जी भाई बाप, जीवन की ही पूजा होती है। जगत में किसी के ऐश्वर्य की पूजा नहीं भाई, यदि उसका जीवन नहीं है। जिसका जीवन है वही पूजा जाएगा, चाहे कुछ भी हो। भरत जी का जीवन है,
प्रभु तो गुरुदेव भगवान से निवेदन करके ही आए थे। गुरुदेव भरत जी से कहेंगे कि राजपद पाकर नीति का त्याग नहीं करेंगे, धर्म तत्व का पालन अवश्य करेंगे, सभी माताओं का समान भाव से आदर पूर्वक सेवा भाव बना के रखेंगे। प्रभु की आज्ञा थी, लेकिन भरत जी ने भगवत आज्ञा का उल्लंघन करके भगवान की शरण में आने का निर्णय लिया। क्यों? यही भ्रातृत्व है। भरत जी केवल प्रभु का रुख समझने आए। प्रातःकाल यहां से उठकर इस बैठकी के बाद सीधे सब लोग प्रभु के आश्रम पधारे। गुरुदेव ने कह दिया, राम जी, माताओं का भाव, सचिव गणों का भाव, भरत जी के हृदय में क्या चल रहा है, सबका रुख समझकर जो उचित हो वही आप प्रकाश करें। प्रभु ने कहा हाथ जोड़कर, प्रभु, गुरुदेव, सबके सिर पर आपकी राजाज्ञा है, आप जिसको जो कहेंगे वही मान्य कर लेगा। प्रथम आप हमें जो कहेंगे हम उसी को मानेंगे। देखो, सत्य, यथार्थ, वास्तविकता, इसमें कहीं लेकिन परंतु बट नहीं है। जो भी कहेगा एक ही बात कहेगा। प्रभु वे जानते हैं कि गुरुदेव यह आज्ञा कदापि नहीं दे सकते हैं कि आप अयोध्या जी चलिए, न भरत जी आग्रह करेंगे कि आप अयोध्या जी चलिए। प्रणाम पूर्वक अपने हृदय के भाव का निवेदन करते हुए भरत जी ने गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रकाशित चार बातें रखी। लक्ष्मण जी के स्थान पर मैं सरकार की सेवा में चलूं, अथवा हम दोनों भाई बन जाएं सरकार माँ भैया के साथ वापस, अथवा तीनों भाई बन जाएं सरकार माँ के साथ अयोध्या चलें, अथवा प्रभु को जो उचित लगे वो आज्ञा हो। चार बार। अरे, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।